नमस्कार दोस्तों, आर्डियन से बोल रहा हूँ मैं राजू, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि टीवीएस एमएसपी 40 प्लस को कैसे सेटअप करते हैं। ये बेसिकली एक बैंकिंग पासबुक प्रिंटर है जिसका सेटअप थोड़ा सा हार्ड है, मुश्किल है, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। तो आज इस वीडियो को देखिए और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया हम लोगों का प्रिंटर टीवीएस एमएसपी 40 प्लस। पहले तो इसका ऊपर का लीड उठाइए। अब इसका रिबन लगाइए। रिबन लगाने के टाइम एक प्रिकॉशन आप हमेशा याद रखिए कि इसका जो रिबन का क्वालिटी है वो थोड़ा सा लूज है, प्लास्टिक का मटेरियल है, तो आराम से लगाइएगा, टूटने का चांसेस बहुत रहता है। और नीचे से आपको ये जो प्लास्टिक का ग्रीन कलर का टेप दिख रहा है वो आप कभी मत खोलिए, उसको खोलेंगे तो आप उसको लगा नहीं पाएंगे। तो उसको आराम से लगाइए और जैसे ही वो दोनों क्लिप लग जाएंगे आपको दो साउंड मिलेगा। जैसे दो साउंड मिले आप समझ लीजिए कि ये लग गया। आप लिड को बंद कीजिए और याद रखिएगा कि प्रिंटर इस टाइम में स्विच ऑफ मोड में रहेगा। और आप यूज़ भी लगा लीजिएगा कंप्यूटर के साथ, लेकिन प्रिंटर को ऑन मत कीजिएगा। तो अभी आपको करना क्या है, इसका जो रेडी बटन है वो आपको प्रेस करके होल्ड करके रखना है और पावर बटन को दबाना है। याद रखिएगा कि आपको रेडी बटन दबा के रखना है, उसको छोड़ने का नहीं है। और जब तक आपको चार बीप ना मिले आप उसको मत छोड़िएगा। चार बीप मिलेगा तभी आपका ये चार लाइट से वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आप A4 का चार पेज लीजिए, ब्लैंक शीट, उसको इंसर्ट कीजिए एक बार एक पेज। और अभी आपको क्या करना है, स्टेशन 2 को एक बार दबाना है तो ये प्रिंट लेगा। आप देख सकते हैं कि प्रिंटर प्रिंट ले रहा है, आपको साउंड भी मिल रहा होगा शायद, हालांकि वीडियो थोड़ा सा शेकी है और उसका जो फोकस है थोड़ा सा कम है। तो अभी जो अपना ये पहला वाला प्रिंट आया, ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन सेटअप पेज। इस तरह से चार पेजेस आएंगे। आप और एक ब्लैंक शीट को उसमें एंटर कीजिए। अभी आपको ध्यान से देखिए, आपको स्टेशन 1 एक बार दबाना है और स्टेशन 2 एक बार दबाना है। स्टेशन 2 हो गया प्रिंट के लिए और स्टेशन 1 हो गया इसका नेविगेशन के लिए। तो ये वाला जो अभी प्रिंट आएगा, ये आएगा आपका ये आपको अभी दिखाई देगा क्या आएगा, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। ये प्रिंट आ रहा है, एक्चुअली ये आएगा प्रोग्राम 1। तो अभी आपको इसमें दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ऊपर देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम 1 बोल के। तो इस तरह से टोटल प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 तीन पेजेस आएंगे। और एक ब्लैंक शीट को घुसा दीजिए। अभी ध्यान से देखिए, स्टेशन 1 को आपको दो बार प्रेस करना है और स्टेशन 2 को एक बार। तो फिर से प्रिंट लेगा, ये प्रिंट हो रहा है। मतलब इस वक्त जो प्रिंटर है ना, ये सेटअप मोड में है और इसका कॉन्फ़िगरेशन पेज निकल के उसको सेटअप कर रहे हैं हम लोग। तो अभी ये पेज नंबर 2 आ रहा है, जो प्रोग्राम 2 है। ये अपना प्रोग्राम 2 का प्रिंट आ गया, आप देख सकते हो ऊपर प्रोग्राम 2 लिखा हुआ है। और एक ब्लैंक शीट को इंसर्ट कीजिए। और इस वक्त आपको स्टेशन 1 3 बार दबाना है और स्टेशन 2 को एक बार। ये प्रिंट आ रहा है। इसको प्रिंट आने दीजिए आराम से। ये लीजिए अपना प्रोग्राम 3 भी आ गया। तो अभी हम लोगों ने प्रिंट किया कॉन्फ़िगरेशन पेज, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 एंड प्रोग्राम 3। तो अभी देखिए, हमने इसमें कुछ डॉट्स बनाया। मैंने ये कौन सी जगह पे डॉट्स देना है मैं आपको बाद में लास्ट में दिखा दूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन पेज था और इसमें मैंने ऑटोमेटिक में डॉट दिया। अब इसको इंसर्ट कीजिए। प्रिंटर को अपना आपको ना तो ऑफ करना है ना तो कुछ भी करना है, जैसे था वैसे छोड़ के इसमें डॉट देना है। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि डॉट कहाँ पे देना है, कैसे देना है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन पेज को एंटर कर दिया तो ये प्रिंट ले रहा है। आप ध्यान दें तो देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक के सामने एक हैश आ गया। हैश का मतलब है कि इसने प्रिंटर ने उसको रीड कर लिया। तो मैंने प्रोग्राम 1 दे रहा है अभी, इसमें देखिए इसमें भी डॉट्स वगैरह हैं। अब चिंता मत कीजिए, डॉट्स में बाद में दिखा दूंगा कि डॉट्स कहाँ पे देना है। ये प्रोग्राम 1 पेज हो गया।
अब ध्यान दे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कहाँ का भी डॉट्स है। बस ज़्यादा नहीं, 7-8 डॉट होगा। आप पेज को इंसर्ट कर दीजिए, प्रिंटर उसको डिलीट कर लेगा। अब ये रीड कर रहे पेज को। एक्चुअली एप्सन और ओलिविटी में होता है कि उसमें हम लोग स्टेशन 1 स्टेशन 2 दबा के उसका सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये देखिए सबके सामने हैश आ गया। हैश आ गया मतलब प्रिंटर ने उसको रीड कर लिया। आप देख सकते हैं सबके सामने हैश आया, और हैश आना भी पड़ेगा। अगर हैश किसी में नहीं आता है ना, तो आपको वो पेज फिर से इंसर्ट करना है, क्योंकि आपको हैश चाहिए चाहिए, नहीं तो आपका जो पेज प्रिंटर का जो पासबुक का मार्जिन होगा ना, वो साइड में ज़्यादा जाएगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा और प्रॉपर नहीं आएगा। अभी हम लोग प्रोग्राम 3 को इंसर्ट कर रहे हैं। सेम है प्रोग्राम 1, 2, 3, सेम जो डॉट्स वगैरह है ना, तीनों पेज का सेम है। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का, जो कॉन्फ़िगरेशन पेज है उसका सिर्फ ऑटोमेटिक के सामने हैश आएगा, बाकी प्रोग्राम 1, 2 एंड 3 सबका जो डॉट्स होंगे ना सेम, सभी पेज में सेम होंगे। ये प्रोग्राम 3 अभी प्रिंट हो रहा है, ये लीजिए ये भी प्रिंट आ गया, सबके सामने हैश आ गया। मैं आपको बोल दूँ कि हैश के लिए आप सबसे बेस्ट है आप उसको यूज कीजिए, मार्कर को यूज़ कीजिए। मार्कर यूज़ करने से होता है क्या है, आपका जो आपका डॉट्स होता है ना वो ठीक से बैठते हैं। अगर आप पेन से, बॉल पेन से या जेल पेन से करेंगे ना, तो यू नो प्रॉपरली होता नहीं है, उसमें कुछ गैप्स रह जाते हैं, तो प्रिंटर उसको रीड नहीं कर पाता है। तो आप हमेशा हो सके तो मार्कर का यूज़ कीजिए। डिपेंड नहीं करता कि कौन सा कलर का, आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी आप यूज़ कर लो, वो प्रिंटर रीड कर लेगा। अभी लास्ट एक बच गया था प्रोग्राम 3 का, शायद मैंने गलत बोल दिया था पहले, तो ये प्रोग्राम 3 आ रहा है। अभी आपको प्रोग्राम 1, 2, 3 तीनों इंसर्ट करना है। ये लीजिए सबके सामने हैश आ गया। अभी आप प्रिंटर को ऑफ कर दीजिए। अभी आप आपका डेस्कटॉप में आइए, डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाइए, ऐड ए प्रिंटर दीजिए, ऐड ए लोकल प्रिंटर, इसमें आपका कौन सा पोर्ट है, कॉम है, यूएसबी है, जो भी है आप सिलेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और इसमें आप जो मैन्युफैक्चरर उसमें जेनेरिक दीजिए, और उधर जेनेरिक टेक्स्ट ओनली देके उसको फिनिश कर दीजिए, प्रिंटर प्रिंट ले लेगा। और बाकी जो 3 पेजेस का 4 पेजेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है डॉट्स का, ये लास्ट में देखिए मैंने उसमें दे दिया। आप सेम टू सेम एग्जैक्टली दीजिएगा तभी ये होगा, नहीं तो मार्जिन ठीक से नहीं आएगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।